बिल्कुल विपक्ष को जो भी आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हैं उन सबको एक साथ आना चाहिए और किस प्रकार आना चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है और इसको डेवलप करने की जरूरत है। सर मेरा लास्ट, यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो उसको यदि कहीं सबसे ज्यादा 24 घंटे चलाता है तो वो राहुल जी चलाते हैं और मैं सोचता हूँ कि उनको अध्यक्ष बनना चाहिए, अध्यक्ष बनाना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, तभी बड़ा का बड़ा काम होगा। राहुल जी क्या कराना चाहता हूँ कि शरद यादव जी बीमार हुए, काफी लंबे समय से बीमार थे और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइटिंग फिट हैं और देखिए मुस्कुरा रहे हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर से ये इन्होंने मुझे राजनीति के बारे में बहुत बहुत सिखाया। क्या आंध्रा में प्रोग्राम था तो उसके बाद मैं 3 घंटे गाड़ी में शरद यादव जी के साथ था। शरद यादव जी ने जो मुझे 3 घंटे में बताया हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में वो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कर सकते। क्या आपको लगता है सुझाव मैंने दिया कि जो कमजोर तबके के लोग हैं जो कांग्रेस के पास थे वो फिर से उन्हीं में काम करके लाया जा सकता है और मैं कहूंगा कि वो काम जो है वो दिल से राहुल जी कर सकते हैं, इन वर्गों के लिए दिल से। अब जैसे मान मेरे लिए कितनी ममता इनको है कि कोई नेता देश में नहीं है जिसको इतना मोहब्बत मेरे प्रति हो। सर जी एक सवाल है, बोलिए। राहुल जी और शरद यादव जी से मुलाकात, हाँ क्या बातचीत है? मेरे गुरु हैं इसलिए मैं गुरु से मिलने आया था, बहुत सीखा हूँ मैं शरद यादव जी से, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आज राहुल जी आए हैं तो मुझे बहुत ही अपार हर्ष हो रहा और कई तरह की कठिनाई थी वो मैंने भी उनको बताई और दूसरी कह रहे हैं कि देश के मामले में मैंने चिंता की और हम लोगों ने ये मैंने उनको बताया कि हम जो है वो वीकर सेक्शन जो है उसको पकड़ना जरूरी है और उसमें कोई सब लोग और मैं सोचने वाले वक्त में आप ये जिम्मेदारी लेंगे वो देखने की बात है। मगर आज जो यादव जी ने कहा उससे मैं सहमत हूँ कि देश की हालत बहुत ख़राब है, नफरत फैलाई जा रही है और देश को बांटा जा रहा है और ये हम सबके सामने ये लड़ाई है। देश को हमें एक साथ लाना है, एक बार फिर भाईचारा जो हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, उस पथ पर फिर से चलते हैं। इस पे अभी मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, इसमें जाना नहीं चाहता। लोग सोचते हैं कि इकोनॉमी जो होती है, महंगाई जो होती है, वो समाज की कंडीशन से अलग होती है। जिस देश में हार्मनी नहीं होती है, शांति नहीं होती है, उस देश में महंगाई बढ़ेगी, उस देश में नफरत बढ़ेगी, इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है, रोजगार मिल ही नहीं सकता। अगर देश को मजबूत बनाना है तो सबसे जरूरी चीज शांति, हार्मनी, ये है। और बीजेपी के लोग सोचते हैं कि नफरत फैलाकर, लोगों को डराकर, लोगों को मारकर इंडिया की, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। गलत फहमी में है जी, आप बिकॉज देर इज 100% टोटल डोमिनेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दिस कंट्री। मीडिया इज 100% कंट्रोल्ड,
CBI, ED, these institutions suppress the conversation. Other institutions block the conversation. Loudspeaker सरकार के हाथ में है. पहले क्या होता था, loudspeaker सरकार के हाथ में होता था, opposition के हाथ में होता था, कभी समाजवादी के पास चला जाता था, कभी कांग्रेस के पास चला जाता था, कभी बीजेपी के पास, बीएसपी के पास. अब क्या है, अब loudspeaker किसी पार्टी के पास नहीं है. अब loudspeaker RSS और बीजेपी के हाथ में. तो बाईपास कैसे किया गया, और आप देखना, जब सच्चाई लोगों को पेट में लगेगी तो ये आपका जो एम्पलीफायर है, लाउडस्पीकर है, ये फेल होगा. राहुल जी.